हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा रोलैंड E09 का जो टॉपिक है वो बेसिकली पिच बेंडर पार्ट टू, राइट। तो मैं पिछले वीडियो में एक्चुअली पिच बेंडर का बेसिक सेटिंग्स मैं बताया था या बेसिक आपको कैसा क्या करना है, लेकिन आज मैं यहाँ पे जो कवर करने वाला हूँ ये है आपका मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मेरा पिच बेंडर काम नहीं कर रहा है, मतलब दाएं घुमाऊँ या बाएं घुमाऊँ, कुछ भी घुमाऊँ लेकिन कुछ पिच बेंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होता है इस मॉडल में, आपका कुछ सेटिंग्स होता है, उस सेटिंग से आप इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका पहला एक्चुअली वो ज़ीरो किया हुआ है कि नहीं सेटिंग्स, या आपका आप चाहे तो मान लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट ऐसा भी है कि जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ पे मैं पहले बोला था कि बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है पिच बेंड, तो जैसे यहाँ पे इसको मैं जीरो पकड़ूँ तो ये होता है आपका 1, ये होता है 2, 3, ऐसे करके चलता रहता है हर एक नोट, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट इसका पिच बेंड का जो रेंज होता है ये 2 होता है, मतलब अगर अगर यहाँ पे अगर आप बजा रहे हो और इसको आप पिच बेंड करते हो ऐसे करके, ऐसे इधर करके करते हो, तो एक्चुअली यहाँ से वो ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब जब 2 का मतलब ये होता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए वो सेटिंग्स मॉडिफाई करके 1, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं, तो आप जब पिच बेंड करोगे यहाँ से यहाँ तक पिच चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेटिंग्स आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ बना रहिए और वीडियो एंड तक देखिए, और पिछले वाला जो पिच बेंडर का जो वर्शन जो वीडियो में डाला था उसका लिंक ऊपर आ जाएगा या लास्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा इसको लाइक स्टैंड में बिठाया हूँ, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे पिच बेंडर मेरा लेफ्ट हैंड को देखना, ठीक है। फिर भी लाइक मैं मेरा लेफ्ट हैंड ऑपरेट कर सकूं, इसीलिए मैं इसको ट्राईपॉड पे बिठाया हूं। तो आपको यहां पे सेटिंग्स जो है मैं इजीली दिखा सकता हूं, लेकिन बाएं वाला बाँ हाथ जो मेरा होगा जो इसको पिच बेंड को घुमाएगा मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, कि ये मैं लेफ्ट घुमा रहा हूं या राइट घुमा रहा हूं। तो चलिए यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सेटिंग्स क्या होता है। तो आप अगर देखोगे राइट, आप अगर फंक्शंस में जाते हो राइट, मैं पहले चलिए ऑफ कर देता हूं मेरा कीबोर्ड को, डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या आता है देखते हैं। मैं ऑफ करके ऑन किया हूं राइट, ठीक है। तो आप सुन पा रहे हो, अभी देखिए आप यहां पर अगर फंक्शंस में जाते हो, आप पहले कीबोर्ड टच आता है राइट, आप फैमिली को अगर घुमाते हो तो मेट्रोनोम आता है, ऑक्टेव आता है, वॉल्यूम आता है, एरे सेट आता है, इफेक्ट्स आता है, रिवर्ब, कीबोर्ड स्केल, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो मैं पहले से आपको दिखा दूँ कीबोर्ड सेटिंग्स जो होता है, ये पहले वाला जो ऑप्शन कीबोर्ड सेटिंग्स आता है जहाँ पे इसके अंदर कीबोर्ड टच है, यहाँ पे आप अगर मास्टर ट्यून आता है, नेक्स्ट ट्रांसपोज आता है राइट, और ट्रांस मोड आता है, पीवी रेंज आता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं चेक करके देख रहा था कि पीवी रेंज को मैंने कैसे चेंज किया जाए राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीबी रेंज इज 12 राइट। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आप साउंड थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सी प्ले कर रहा हूँ मैं राइट इस ऑक्टेव पे, तो इसका इसका जो दूसरा वाला मैंने 12 का मतलब, पीबी रेंज 12 का मतलब ये होता है, ये इसको जीरो अगर मानते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 में जो 12 नोट्स होता है आपका, 12 जो नोट्स होता है वो जो एक ऑक्टिव से दूसरे ऑक्टिव तक, तो सा सा, तो सा ही में एक्चुअली सी प्ले हो रहा है लेकिन नेक्स्ट ऑक्टिव वाला राइट। तो आप ये समझ सकते हो सी प्ले हो रहा है लेकिन नेक्स्ट ऑक्टिव वाला, तो आप सुन लीजिए साउंड कैसा आ रहा है, सा 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 सा। अभी मैं मेरा पिच बेंडर जो है इसको लेफ्ट हैंड से मैं राइट हैंड राइट साइड की तरफ इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, सा 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 सा, मतलब यहां से पिच बेंड होते 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 यहां तक जा रहा है, आप सुन पा रहे हो राइट, ठीक है। अगर अगर इस टाइम पे जहां पे जब बड़ा है राइट, मैं इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाता हूं मेरा पिच बेंडर को, मेरा पिच बेंडर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे की तरफ घुमाता हूँ इसको, मैं फिर सुनाता हूँ आपको, सा सा सा, सा।
सा 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 सा। मैं अगर उधर घुमाता हूँ यहाँ से, मान लीजिए मैं ये प्ले कर रहा हूँ सा 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 सा, तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपका ये रेंज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक एक मतलब होता है हाफ ऑफ नोट, राइट। तो ये आप आपके हिसाब से, आप अगर चाहते हो कि जब पिच बेंड करोगे एक फुल ऑक्टेव वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना था मेरे को कि यहाँ पे जो ये जो रेंज 12 तक दिया हुआ है, राइट, ये मैक्सिमम जाता है फॉर लाइक, मैं बढ़ा के देखता हूँ, यहाँ पे 24 तक जाता है शायद, या 24 तक जाता है। मतलब आप अगर यहाँ पे प्ले कर रहे हो तो ये नेक्स्ट ऑक्टेव और लास्ट ऑक्टेव तक, माने मतलब दो ऑक्टेव ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो इसका मैक्सिमम रेंज यही होता है। मतलब जो मैं अगर यहाँ पे सा 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 सा, ठीक है, तो मतलब इसका मैक्सिमम रेंज इस कीबोर्ड में यही तक होता है। तो आप कोई भी अगर साउंड प्ले कर रहे हो उसके इसको इतना तक मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आपको दिखाने वाला हूँ, और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरा तो डिफ़ॉल्ट होगा, माने मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज़र प्रोग्राम के साथ आपका पिच बेंड वेरी कर सकते हो फॉर कस्टम टोन्स, ऐसा नहीं है। तो आपका जो जो टोन आप सेट करोगे सारे के लिए वैसा ही रहेगा। मैं एक्चुअली और भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यहाँ पे मतलब टोन स्पेसिफिक यहाँ पे सेटिंग्स होता है कि नहीं। मुझे जितना लगता है, मैं जितना देख चुका हूँ, उसमें नहीं होता है। मतलब जब आप मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे यूज़र प्रोग्राम जीरो पे हूँ, मेरा यहाँ पे बांसुरी या कुछ देखिए बांसुरी सिलेक्टेड है, राइट। ये पीबी रेंज 24 तक है, ठीक है। तो मैं इसको घटा के 12 कर लेता हूँ। आपके हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरा लेफ्ट हैंड पे मैं एक्चुअली हर बार इसको राइट की तरह घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए हो इसको पीबी रेंज को कैसे करना है। तो जिनके लिए एक्चुअली काम नहीं कर रहा था इसको, आप शायद आप चेक कर लीजिए आपका जीरो होगा। तो जीरो अगर होता है तो यहाँ पे लेफ्ट घुमाओ या राइट घुमाओ कुछ इफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आपका जीरो होगा तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर जीरो नहीं है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको शायद सर्विस सेंटर से एक बार बात कर लेना चाहिए कि क्यों नहीं काम कर रहा है। दूसरा कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जीरो है तब कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, राइट। तो लेकिन इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं बढ़ा के 12 कर देता हूँ, एक ऑक्टेव शिफ्ट अच्छा लगता है सुनने में। तो शायद आपको समझ आ चुका है, राइट, कि कैसे लाइक पीबी रेंज या पिच बेंडर रेंज जो है होता है, इसको आप ट्विक कर सकते हो और उसके हिसाब से आप आपके गानों में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो चलिए पिच बेंडर का सेकंड जो वर्शन है यहाँ तक की। तो अगर आपको हेल्प हुआ होगा तो डेफिनेटली मुझे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा दूसरे बहुत सारी रोलैंड ईजी डिज़ाइन का वीडियोस भी है, वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा या लास्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आपका कुछ क्वेश्चंस है तो पूछते रहिए, तो मैं डेफिनेटली अगर उसको एक्सप्लोर करके कुछ मिलता है मुझे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। टेक केयर, गुड बाय।